अगर आप अपने इलाके के नशा तस्करों की सूचना पुलिस तक पहुंचाना चाहते हैं और अपनी जानकारी भी पुलिस तक नहीं पहुंचने देना चाहते हो, तो फिर आपको ड्रग फ्री हिमाचल मोबाइल ऐप इंस्टॉल करनी होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस ऐप को दिनों दिन बढ़ रही नशा तस्करी की रोकथाम के लिए ही बनाया है। पहले इस ऐप की खास बात जान लीजिए। यदि आप इस ऐप के माध्यम से नशा तस्करों की सूचना पुलिस को देते हैं, तो पुलिस को यह बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा कि यह सूचना उन्हें किसने दी है। इस ऐप की यही खासियत बताने के लिए एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश जारी किए हैं कि वह अपने इलाके के अधिक से अधिक लोगों के मोबाइल फोन में इस ऐप को इंस्टॉल करवाएं, ताकि लोग निसंकोच होकर पुलिस को अपने क्षेत्र के नशा तस्करों के बारे में बता सके और पुलिस उन पर कार्रवाई कर सके। एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि ऐप से सूचना देने वाले का कोई भी डाटा पुलिस को प्राप्त नहीं होता और जो भी सूचना इस ऐप के माध्यम से प्राप्त होती है, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है। गुरुदेव शर्मा ने जिला के सभी लोगों से इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके पुलिस का मददगार बनने का आह्वान किया है। जो हमारी ड्रग फ्री ऐप है, एक बहुत ही एक अच्छी ऐप है, जिसके माध्यम से कोई भी आदमी जो है ड्रग से रिलेटेड या कोई भी जानकारी पुलिस को भेज सकते हैं। इसमें जो जो भेजने वाला वो लोग व्यक्ति होता है, उसका नाम, पता, उसका फ़ोन नंबर, उसका आईडी कुछ भी हमारे पास नहीं आता है, उसकी कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं आती है। तो सभी एसएचओस को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अपने अपने एरिए में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ड्रग फ्री ऐप को जो है डाउनलोड करवाएंगे और इसकी जानकारी भी लोगों को देंगे। वहीं गुरुदेव शर्मा ने लोगों से 112 की ऐप को इंस्टॉल करके वॉलंटियर बनाने का भी आह्वान किया है और जिला के सभी थाना प्रभारियों को अधिक से अधिक लोगों को वॉलंटियर बनाने का आह्वान किया है। बता दें कि देश भर में अब आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 नंबर जारी किया गया है। इस नंबर की एक मोबाइल ऐप भी बनाई गई है। जो भी व्यक्ति इस ऐप में खुद को वॉलंटियर बनाता है, आपदा के समय पुलिस उसकी मदद लेती है। इसके अलावा जो 112 स्कीम जो है हमारी, जो हमने लॉन्च की है, इमरजेंसी नंबर है जो है 112, इसके जो वॉलंटियर्स बनाने हैं और इसमें भी मैक्सिमम लोगों को वॉलंटियर्स बनाया जाएगा और उस वॉलंटियर्स को जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी दुर्घटना होती है, तो उन सबको जानकारी मिल जाएगी और इस प्रकार से पब्लिक को भी उसमें यदि कोई डिज़ास्टर होता है तो उसमें जो रिलीफ और रेस्क्यू के लिए उसमें पब्लिक को भी शामिल किया जा सकता है और उनके भी सहयोग प्राप्त हो सकेगा। तो सभी ऐसा तो उसको डायरेक्शन दी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 112 के वॉलंटियर्स भी बनाया जाए। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।